स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सुप्रीति। पूर्ववर्ती छात्र संघ द्वारा 21वां पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कुलपति जस्टिस यूपी कई वर्मा ने लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। पूर्ववर्ती छात्र संघ के नेतृत्व में 21वां पूर्ववर्ती छात्र संघ का सम्मेलन का आयोजन हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कुलपति जस्टिस यूपी सिंह, प्रति कुलपति प्रधान डाकपाल ब्रास बिहारी राम, तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, बक्सर विधायक अजीत कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। इस अवसर पर दर्जनों पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने गांधी शिक्षा और कृषि तथा शैक्षणिक संस्थानों के विकास में पूर्ववर्ती छात्र संघ की भूमिका विषय पर विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन का मंच संचालन महासचिव डॉक्टर शशि कुमार ने किया। जमीन पर किसी कीमत पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनने हम नहीं देंगे, यह कानूनी लड़ाई है, इसलिए अस्थिर है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में यह हमारे यहाँ 14,000 लड़के इनरोल्ड है, मैं 2,000 लड़कों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वो हमारे जमीन को गलत तरीके से कोई कब्जा करके सरकार नहीं ले सकती। मैं हम लोगों ने, हमारे शिक्षक संघ ने, हमारे उस दिन विश्वविद्यालय में तालाबंदी हो जाएगी, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा, आपका B12 में मान्यता समाप्त हो जाएगा, UGC से आपकी डिग्री की कहीं वैल्यू नहीं रहेगी। और VC साहब चिंतित भी है, अपना बात बोलेंगे। हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में इस बात को उठाया जाए और जोरदार तरीके से उठाया जाए। हमारे विधायक समर्थन भी कर रहे हैं, तो ये करेंगे हम। अब कुलपति महोदय को दे, है ना सर, इधर देख लीजिए। माननीय विधायक श्रीमान अजीत कुशवाहा जी तथा गणमान्य अतिथियों में हमारे आदरणीय डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, हमारे वर्तमान छात्र सम्मेलन में शरीक नहीं हो सका, इसके लिए पहले मैं क्षमा याचना करूंगा। और सर्वप्रथम इस सभा के अध्यक्ष जी, कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर रंग किशोर शाह जी, राज बिहारी राम जी, महाराजा कॉलेज के प्रचार महोदय बैठे हैं, आनंद माधव जी, शशिकांत तिवारी जी एवं हमारे सम्मानित पूर्ववर्ती छात्र एवं छात्राएं अभिभावक भरत मिश्रा की, उसको भी मैं इस मंच से अभिवादन करता हूं। बोलने के पहले मैं प्रसाद महोदय देता हूं, हम तीन विधायक यहां बैठे हैं, आपकी जमीन को दूसरा कोई नहीं लेने वाला है और हम लोग उसकी लड़ाई विधानसभा से लेकर के जहां भी लड़ना पड़ेगा हम लोग आपके 83-85 के हम लोग छात्र रहे हैं। हम लोग के अभिभावक के रूप में कुल बिहारी सिंह जी उस समय प्रसाद थे, डॉक्टर भरत मिश्रा जी, गणित तिवारी जी, वाल्मीकि शर्मा जी जैसे जोथा प्रोफेसर हुआ करते थे। बोला ठाकुर जी, हम लोगों को पढ़ाया है, देखा है हम लोगों ने करीब, लेकिन आज शिक्षा की गुणवत्ता पर बात आती है तो बहुत लंबी तकरीर करनी पड़ेगी। और हम सभी विधानसभा में हमारे साथ ही हम सभी चिंतित रहते हैं कि आखिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो। आज दिनों दिन शिक्षा की गुणवत्ता गिरते जा रही है, शिक्षकों और छात्रों में मानो बहुत बड़ा बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतराल है, ये देखने को अब के छात्रों और गुरुजनों में मिल रहा है। हम लोगों के समय में हमारे अभिभावक के रूप में हमें गुरुजन बताते थे और उनके बताए हुए कदमों पर चल करके हम लोग आज विधायक बन रहे हैं।
का काम किया है। हम लोगों के साथ ही आईएएस और आईपीएस भी है, इसी कॉलेज के पढ़े हुए लोग, सात आईएएस और आईपीएस है। अभी वर्तमान में पंकज नारायण पटना में एडीजी के पद पर विराजमान है। चीफ इलेक्शन कमीशन शैलेंद्र कुमार जो कि जम्मू कश्मीर का मुख्य चुनाव आयुक्त है। बात होती है हम सबों की आपस में, पुराने कॉलेज की बातों की याद करके हम लोग रूबरू होते हैं, कॉलेज की स्कूलों की बात करके हम लोग आपस में उसको साझा कर रहे हैं, काम करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, हम लोग उस दिन को इसलिए याद करते हैं कि हमारे गुरुजन और आज के छात्रों की तुलना हम लोग करते हैं कि हमारे अभिभावक के तुल्य वो गुर्जर हुआ करते थे। लेकिन आज छात्रों ने, मैं तो सबसे अधिक दोषी मैं विधानसभा में बोला, आप लोग मेरे गुर्जर हैं, मैं बोलता हूं विधानसभा में, मैंने कहा था सबसे ज्यादा अधिक दोषी है शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आने में तो हमारे अभिभावक गण है। अभिभावक ही सबसे बड़े दोषी है, बच्चों को बिगाड़ने में एंड्रॉइड फोन का क्या उपयोग है कॉलेज के और स्कूल के छात्रों के लिए, क्या जरूरत है उन बच्चे और बच्चियों को एंड्रॉइड फोन देने की क्या जरूरत है? यह गंभीर विषय है, हर एक अभिभावक को इस पर सोचना होगा। ये खिलौना नहीं है, ये बिगाड़ने की एक मशीन है और इससे बच्चों का जिंदगी भविष्य अधर में जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैंने एक बैठक बुला रखी है, मुझे जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन 2 बजे से एक बैठक है एनएनटी और जो भी छात्रों की समस्या होती है ऑनलाइन सब समस्याओं को हल करते हैं, भेजते हैं। नहीं नहीं सामने इधर सर देखिए ना भैया, इधर सामने देखिए ना भैया, अभी इधर सामने सर इधर देख लीजिए भैया, देखिए ना सामने रास बिहारी सर आ जाइए ना सर इधर, शशि भैया भैया सामने, भैया सामने सर जी इधर देख लीजिए, देखिए इधर भैया सामने सर जी, इधर सामने देख लीजिए दीदी सर, तो आज के इस कार्यक्रम में जस्टिस यूपी सिंह जी जो हम समझते हैं कि इस कॉलेज के सबसे पुराने छात्र रहे हैं, डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी जी जो डीसी हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर नंद किशोर शाह जी, श्री आनंद माधव जी, असफर अहमद जी, प्रोफेसर बलराज ठाकुर जी, साथी अजीत कुशवाहा जी, गुड्डू जी, शिव प्रकाश जी, समीर जी और यहाँ मंच पर जितने हमारे गुरुजन हैं या हॉल में हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं हमारे साथ या बाद में या पहले पढ़े हुए छात्र हैं, मैं तमाम लोगों का अभिवादन करूं। इसके पहले इस कॉलेज के जो संस्थापक हैं श्री हरप्रसाद दास जैन जी, उनको मैं नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नहीं सर सर इधर अमरेंद्र
लगी सर, सर जी इधर इधर। और वो चिट्ठी कहीं खो गई, केवल यहाँ का जो पंखा है बंद कर दें, दो मिनट के लिए पंखा बंद कर देना, इतना जो भी गाऊंगा मेरे बराबर के जिंदगी में जब भी गया है तो भारत के राग, ये किरवानी राग बहुत ही प्रसिद्ध राग है और इसमें ये बदल आते हैं। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं, कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वही जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा अब तू कहाँ चली? और कहाँ? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।